फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से देखिए ट्रकों से उतरता है और ये देख सकते हैं गोदाम है यहाँ पर, ये वेयर हाउस है जहाँ पर आलू, प्याज, लहसुन ये सब स्टोर किया जाता है। देख सकते हैं आप इस तरीके का गोदाम आपको, ये जो कृषि बाजार है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा पूछ लेते हैं क्या क्या रेट सब चल रहा है अभी। देख सकते हैं आप इधर आलू है, प्याज है, ये सब है। आलू प्याज का, प्याज का क्वालिटी क्या है आइए थोड़ा जानते हैं। आलू प्याज ये देख सकते हैं बैठे हुए यहाँ पर। भैया ये आलू बोरा का कैसे पड़ रहा है अभी, ये वाला बोरा 300 50 केजी, और प्याज का 30 रुपये किलो, पूरा बोरी का कितना पड़ रहा है? अच्छा 20 रुपये किलो पड़ रहा है। और लहसुन, लहसुन 40 रुपये केजी है। अच्छा वजन हिसाब में लहसुन 40 रुपये किलो मिल रहा है और प्याज 20 रुपये केजी है और आलू है 300 रुपये बोरा का। देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम आए हुए हैं रातू रोड, ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये रातू रोड जगह का नाम है यहाँ पर पंडरा। तो आज आपको यहाँ पर जो पंडरा में कृषि बाजार है वो दिखाने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हैं वो है कृषि बाजार, और ये कृषि बाजार है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया पंडरा शाखा के सामने है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रातू रोड से इधर रिंग रोड की ओर जाता है। तो चलिए वीडियो में दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ का कृषि बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम ठीक कृषि बाजार का गेट के सामने खड़े हैं। पीछे आप वो जो देख रहे हैं वो है रांची का जो यहाँ पंडरा का कृषि बाजार है, उसी का गेट यहाँ पर है। पीछे आप देख सकते हैं इस तरफ से घुसने का है। तो वीडियो में अभी आपको हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम कृषि बाजार का ठीक अंदर आ गए हैं और पीछे वो रोड था। तो रांची से कितना दूर है सारा कुछ आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं और यहाँ के कृषि बाजार के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में आगे देते हैं। आप देख सकते हैं वो बाहर रोड दिख रहा होगा। तो ये जो कृषि बाजार समिति है इसका दो सेक्शन है, दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ये रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता आगे की ओर चल जा रहा है। इस तरफ आपको सब तरफ यहाँ पर जो गोदाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हम इस वीडियो में आपको बताएं कि ये जो कृषि बाजार समिति है ये दो भागों में है। तो ये पहला भाग है, आगे वीडियो में बने रहिएगा, उसका दूसरा भाग भी दिखाएंगे, यहीं पर है बगल में। तो इस कृषि बाजार के समिति का जो पहला भाग है जिसमें अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर राशन से जुड़ा हुआ व्यापार होता है। और राशन से जुड़े हुए जो भी गोदाम वगैरह सब है वो यहाँ पर है। चलिए आपको दिखाते हैं, इस तरफ ट्रकें आप देख सकती है खड़ी है। तो इन्हीं से जो है अलग अलग जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पर अपने गोदामों में सामान रखते हैं और बाहर पूरा जो मार्केट है रांची का मार्केट, चाहे उससे बाहर आप झारखंड का मार्केट, वहाँ तक इन गोदामों से होकर आप देख सकते हैं राशन का सामान लोडिंग होकर जाता है। और यही जो है राशन हम लोग अपने राशन के दुकान से खरीदते हैं, घर के बगल के राशन दुकानों से खरीदते हैं। तो फैक्ट्री से बनकर जो भी सामान है वो इस कृषि बाजार समिति के इन गोदामों में आता है, ट्रेडर्स के पास आता है। और यहाँ से बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं अपने गोदामों से ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर सप्लाई देते हैं। तो कुछ इस तरीके का दृश्य आप देख सकते हैं, इस जगह पर पूरा अलग अलग दुकान नंबर है, अपना अपना GST नंबर है सभी का, ट्रेडर्स का। और यहाँ से सप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं आप ट्रकों में लोड हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, ये सारा काम यहाँ पर चलते रहता है। तो ये है बाजार समिति पंडरा जो है, कृषि बाजार समिति पंडरा रांची का ये पहला भाग जहाँ पर राशन से जुड़ा हुआ जो भी सामान का लोडिंग अनलोडिंग होता है यहीं से सप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है थोक जो है सामान यहाँ तक पहुँचता है। और ये अलग अलग ट्रेडर्स का यहाँ पर दुकान बना हुआ आप देख सकते हैं, ये अनलोडिंग हो रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं हम अभी पंडरा कृषि बाजार समिति के अंदर में हैं, पीछे देख सकते हैं इधर अनलोडिंग का काम चल रहा है और इस तरफ लोडिंग होकर बाहर जा भी रहा है। तो ये जो बरेंडा आप देख रहे हैं यहाँ पर कृषि बाजार समिति का दुकान सब है अलग अलग, और इसमें राशन का स्टोर है, गोदाम है, वहीं से जाता है आता है बाहर से भी।
फ्रेंड्स, ये जो 15 कृषि बाजार समिति का ये राशन वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगा। देख सकते हैं आप गोदामों में यहाँ पर आटा, मैदा और जो भी राशन से जुड़ा हुआ चीज़ है वो सारा कुछ यहाँ पर आता है बाहर से, अलग अलग फैक्ट्रीज से बन के पैक हो के यहाँ पर आता है। और यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी है, वो रखते हैं यहाँ पर, और यहीं से पूरा अलग अलग जगहों तक सप्लाई होता है, शहर या शहर के बाहर। तो ये जो है एक तरीके से बहुत ही बड़ा बिजनेस है आप कह सकते हैं। और ये कृषि बाज़ार समिति रांची का काफ़ी पुराना है, और यहीं से रांची शहर के अलावा रांची शहर से बाहर भी सप्लाई होता है। हम अभी निकल कर आ गए हैं बाहर, जो राशन वाला सेक्शन है 15 कृषि बाज़ार समिति का, उससे बाहर आ गए हैं फिर से रोड में। और इसी जगह बगल में कुछ ही दूरी पर उसका जो आलू प्याज वाला सेक्शन है 15 कृषि बाज़ार का ही, तो चलिए वहाँ पर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको वो कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये वाला जो गेट बना हुआ है, यहाँ पर है कृषि बाज़ार समिति का आलू प्याज लहसुन वाला सेक्शन। देख सकते हैं कटहल मोड़ यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर का दूरी पर है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला जगह में आपका इधर कृषि बाज़ार का ही ये वाला सेक्शन है। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा है आलू प्याज लहसुन, ये सब जो कृषि बाज़ार का इस सेक्शन में आपको यही सब सारा चीज़ यहाँ पर दिखेगा। आप देख सकते हैं ट्रकों में भर भर कर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है बाहर, अलग अलग जगहों से यहाँ तक पहुँचता है इस कृषि बाज़ार समिति के जो वेयर हाउसेस है, गोदाम है यहाँ तक। और यहाँ से फिर छोटे छोटे विक्रेता जो हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो ले जाते हैं, और ये थोक में यहाँ पर इन सभी चीज़ों की खरीद बिक्री यहाँ पर होती है। और ये जो जगह है कृषि बाज़ार समिति, रांची से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, कटहल मोड़ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और कृषि बाज़ार समिति का तो दोनों सेक्शन है, पहला सेक्शन जिसमें हम आपको दिखाए कि उसमें राशन से जुड़ी चीज़ें थी, और दूसरा सेक्शन उसमें आलू प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें वहाँ पर, उन चीज़ों का यहाँ पर व्यापार होता है। तो दोनों ही सेक्शन लगभग दिन के 11 बजे से खुल जाता है और शाम के 7 बजे तक यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग और ये सारा खरीद बिक्री का काम यहाँ पर चलता है इन कृषि बाज़ार समिति 15 रांची में। और रविवार के दिन ये जो कृषि बाज़ार समिति है ये बंद रहता है। तो फ्रेंड्स, हमको लगा है कि ये जो जानकारी है आपको कृषि बाज़ार समिति 15 का, वो आपको पसंद आया होगा। और आप में से जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं और इस तरीके के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा उस तरफ पीछे साइड में, तो वहाँ पर काफ़ी सारा आपको ट्रकों में आलू प्याज ये सब लोडिंग अनलोडिंग होते हुए दिख रहा होगा, भर भर का आया हुआ है, कुछ उतर रहा है, कुछ दूसरे जगहों तक जा रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा हर दिन यहाँ पर रहता है। और ये वाला सेक्शन है सब्जी वाला सेक्शन, जो 15 कृषि बाज़ार रांची में है, तो उसी का सब्जी वाला सेक्शन, यानी कि आलू प्याज लहसुन ये सारा चीज़ यहाँ पर रहता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसी तरफ का दुकान सब यहाँ पर है, और पूरा कृषि बाज़ार में लगभग 500 के आसपास यहाँ पर दुकानें हैं। और टाइमिंग तो हम आपको बता ही दिए हैं। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नए जगह पर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।